हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और दोस्तों, हम तो ठीक हैं, आप लोगों के दुआ से हम ठीक हैं और हमारा घर परिवार सब ठीक है। और भगवान करे आप लोग भी ठीक रहें। आप लोग ठीक रहेंगे तो तभी तो हमारा वीडियो देखेंगे आप लोग। हम भगवान से दुआ किया करती हूँ कि आप लोग अच्छा रहें और ठीक रहें और आप लोग सलामत रहें। जहाँ भी रहें आप लोगों को कमाई में बरकत हो। और यही हम भगवान से दुआ किया करती हूँ कि जितना हमारे YouTube फैमिली हैं उन लोगों को भगवान आप बनाए रखें। तो दोस्तों, लाडो यहाँ आई है जब से तो उसका तबीयत ठीक है। और मुंबई में वो रह रही थी, वहाँ पे तबीयत उसका ठीक नहीं था। वहाँ का दवा नहीं सूट कर रहा था और वहाँ का पानी भी नहीं सूट कर रहा था, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। और यहाँ जब से यहाँ आई है तब से मतलब हंस खेल रही है, अच्छी है, बढ़िया है। दवा भी हुआ है, दुआ भी हुआ है, झड़वाए पकवा सब कुछ हुआ है, तो लाडो ठीक है। और मतलब अन्नू भाभी का भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था और बहुत खुशी की बात है कि वो माँ बनने वाली है और खाना पानी नहीं खा पा रही है। थोड़ा बहुत मतलब कुछ खा पी लेती है और खाना वाना ज़्यादा नहीं खा रही है। तो खाना पानी भी नहीं खा रही है, कुछ भी नहीं खा पी रही है और थोड़ा बहुत फल वल खा लेती है और कुछ खा पी नहीं पा रही है। तो गई है इस समय में, इस समय मतलब हमारे घर नहीं है, गई है दवा कराने। हॉस्पिटल में गई हैं, दोनों लोग गए हैं और लाडो भी गई है दवा कराने के लिए। उसका तबीयत रात में बहुत परेशान करती है। ठीक है लाडो, ठीक है, पर थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब रहती है। तो वो लोग गए हैं दवा कराने, अभी वो लोग आएंगे। तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। और अन्नू भाभी आप हमारे घर आई हैं लेकिन इस समय नहीं है, आ जाएंगी थोड़ी देर के बाद। और लाडो का तबीयत नहीं सही था, लाडो का तबीयत सही नहीं था तो दवा ववा करा, मतलब उनको दवा ववा समय से मतलब हम लोग पिलाते खिलाते हैं। तो बहुत जिड़जिड़ाती है, बहुत जिड़जिड़ाती, पता नहीं उनको नज़र लग जाती है, क्या लग जाता है, वो बहुत जिड़जिड़ाती है और हमेशा रोती रहती है। तो यहाँ पे जब से आई है लाडो तो तबीयत तो ठीक है, मतलब पेट उसका सही था, जो पेट भर रहा था वो पेट सही है। और यहाँ पे मतलब लड़के बच्चों के साथ मतलब खेल कूद रही, लेकिन रो रही है। जब थोड़ा बहुत खेलती है उसके बाद रोने लगती है। तो दोस्तों, दवा कराकर लाडो आ गई। आजा लाडो, आजा, चलिए भी अभी आपको दिखाती हूँ लाडो कैसी है तबीयत, तबीयत कैसा है। तबीयत तो ठीक है, आओ देख लीजिए, दवा करा कर अभी अभी आ रही है। तो यही लाडो है, देख लीजिए तबीयत इसका सही है थोड़ा बहुत। वहाँ से मतलब इसका पेट बहुत झर रहा था तो यहाँ पे ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं लाडो को, लाडो क्या खा रही है, मूंगफली खा रही है। तो बोला लाडो कह दा बाय बाय, तन कही है कह दा हाथ से बाय बाय, कह दा बाय बाय, कह दा हम ठीक बानी, कह दा हम ठीक बानी, तबीयत हमार ठीक बा, कह दा। तो दोस्तों, अभी अन्नू भाभी से हम बात कराते हैं आप लोगों को। हेलो दोस्तों, नमस्ते, दीदी के चैनल में स्वागत है आप सभी का। और दोस्तों देखिए, अभी हम लाडो को लेके गए थे ऐसे घुमाने के लिए और थोड़ा दिखाना था लाडो को, क्योंकि पेट ही बार बार पकड़ के रो रही है तो इसलिए दिखाने गए थे। अभी आए हैं और आप लोग दीदी को भी सपोर्ट करिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि दीदी बहुत ही मेहनत करती हैं और जब से हम वीडियो बना रहे हैं तभी से ये भी वीडियो बनाती हैं और मेहनत भी करती हैं। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं उनका, थोड़ा सा उनका भी थोड़ा हेल्प करिए कि वो भी कुछ लायक हो जाएं। और दोस्तों, लाडो का तबीयत जानते हैं कि आप लोग इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा था, बहुत मेरी बेटी परेशान हो गई थी कि पता नहीं कौन जादू टोना नज़र भी कर दिया था और
इलाज भी हम करवा रहे थे, वहाँ का दवाई इसको सूटे नहीं कर रहा था, अच्छा दवाई नहीं दे रहे थे। जो दवा यहाँ 150-100 रुपये का मिल जाता वही दवा वहाँ 500 का देते थे, इतना महंगा देते थे कि वो इसको मतलब ये नहीं समझ पाते थे कि छोटी बच्ची है उसको कितना ईमेल का ये मतलब कितना इंच का दवा दें कि वो ठीक हो जाए। अभी छोटी है तो इसको 1.5 या 2 ईमेल का देना चाहिए ना, लेकिन नहीं 500 एमजी का देते थे। बताइए 500 एमजी का बच्ची झेल पाएगी, इतना ख़राब ख़राब दवा दे देते। हम लोग पिलाते थे कि शायद मेरी बेटी ठीक हो जाए, और इंजेक्शन लगाते थे वहाँ पे, आँख नहीं खोलती थी, दिन रात एकदम सोई रहती थी, दिन रात सोई रहती थी, पड़ी रहती थी बिस्तर पे। भगवान का शुक्र है कि जो मेरी बेटी आज आप लोगों के सामने हंसती खेलती पड़ी है, नहीं तो भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसा होने तो मेरी बेटी को क्या हो जाता। दोस्तों मैं इतनी घबरा गई थी कि आप लोगों से स्कैनर पे आप लोगों से थोड़े पैसे मांगे, थोड़ा आप लोग मदद किए, आप लोग भी मदद किए कि कुछ लायक हम भी हो सके और अपनी बेटी का इलाज भी कर लिए। और देखिए अभी इलाज इसका चल रहा है, अभी देखिए आप लोगों के सामने कैसे हंसती खेलती नज़र आ रही है, मूँगफली खा रही है। और मेरी लाडो को बहुत चाहने वाले लोग हैं दोस्तों, मुझे चाहे या ना चाहे, लेकिन मेरे लाडो के लिए बहुत लोगों की दुआ है कि जो आज मेरी बेटी ठीक हो गई है। लोगों के दुआ से आज लाडो बहुत आप लोग कमेंट करते थे कि मतलब लाडो ठीक हो जाएगी, लाडो के लिए दुआ करते हैं, लाडो के लिए भगवान से विनती करते हैं, बहुत कमेंट आया था। बहुत अच्छा लगा था हमको कि मेरी लाडो के लिए आप लोग हमेशा दुआ किए, मेरी लाडो आज आप लोगों की वजह से आज मतलब खुश भी है और खेल भी रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना सपोर्ट किए मेरा कि मेरी बेटी को देखो सर ऐसे से लेकिन कर रही है, अभी सर का भी इलाज करवाना है लेकिन फ़िलहाल तो अभी ठीक है। और दोस्तों अभी आए हैं, जैसे आए तैसे दीदी लेके गई हैं, परसों आए थे तो तुरंत दीदी लेके गई हैं कि झड़वाई हैं, दिखवाई हैं, जंतर उंतर बनवाई हैं। आरती दीदी ये भी मतलब बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत साथ देती हैं, मैं इन्हीं के घर पे हूँ और सपोर्ट करने का दोस्तों तो हम लायक नहीं हैं, फिर भी इनके पर हमको दया बहुत आता है क्योंकि कोई घर द्वार नहीं है इसका, तो हमको बहुत दया आती है इन लोगों पे। क्या और सच्चाई पे लोग रहते हैं, भैया भाभी दोनों, भैया भी कोई को बुरा लगे या नीक लगे खराब लगे जो बात बोलते हैं मुंह पे बोलते हैं, और जो बात बोलते हैं सच बोलते हैं। यही बात है दोस्तों, हम लोग हमेशा सच का रास्ता अपनाते हैं, इसीलिए लोगों की नज़र में बुरे हो जाते हैं। और कुछ सब्सक्राइबर ऐसे लोग होते हैं ना दोस्तों, मिलने भी आते हैं, सपोर्ट भी करते हैं हम लोग, अब पीठ पीछे बुराई जाके करती हैं सब, जिस थाली में खाती हैं उसी थाली में छेद कर। हम लोगों से उससे मतलब नहीं है, मेरी बेटी ठीक है, कोई कुछ भी कहता रहे, हाँ जब हम लोग बुरे हैं तो हम लोगों से मिलने आप लोग मत आइए, जो लोग अच्छे हैं उनके पास जाइए, उनसे मिलिए, उनसे बातें करिए, उनसे अपना चैनल प्रमोशन कराइए, जो लोग अच्छे हैं। हम लोग बुरे हैं तो हम लोगों के पास आने से कोई मतलब नहीं है। तो यही सब बातें हैं दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो काफ़ी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। और आरती दीदी का आप लोग फुल सपोर्ट करें, जो भी है आप लोगों के सामने ही है, अच्छे से वीडियो बनाती हैं, कितने लोग गंदे वीडियो बनाते हैं आप लोग उनका सपोर्ट करते हैं, जो लोग अच्छे बनाते हैं आप लोग नहीं सपोर्ट करते हैं, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप लोग इस चैनल को भी आगे बढ़ाइए कि इनका चैनल मोनेटाइज हो जाए, लोगों का मुँह बंद हो जाए। बहुत कुछ कहते हैं लोग, कहने वाले तो बहुत लोग कह देते हैं, लेकिन क्या करें, सहना पड़ता है ना, मजबूरी है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।